हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइस, आज हमारे घर पूरा हो चुका है, कंप्लीट वाइट वॉश है। एंड गाइस, फर्नीचर सब कुछ गाइस बिल्कुल क्लियर हो चुका है, बिल्कुल मतलब कि गाइस मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है घर। एंड अब आते हैं फाइनल लुक आप सभी को दिखाने के लिए। सो गाइस, जब भी मैंने पार्ट 3 स्टार्ट कराया, सो मैंने बिटवीन में कोई ब्लॉग नहीं बनाया, सिर्फ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बनाया। सो उसके बाद मैंने सोचा कि आप सभी भी बोर होएंगे तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, सो मैंने सोचा कुछ इंटरेस्टिंग बनाऊं, सो मेरी पब्लिक भी पसंद करे। सो आज गाइस मैं फाइनल लुक आपको दिखा दूंगा कंप्लीट, एंड अभी भी होने लग रहा है एंड अभी करने लग रहे सब मिलकर, इवन मैं भी कर रहा था अभी हेल्प सबकी, अपनी मॉम की, अपने मतलब फैमिली की। गाइस बहुत ही मज़ा आने वाला है, मैं आप सभी को दिखाऊंगा तो। एंड गाइस मेरे को खुद, मैं खुद एक्साइटेड हो रहा हूँ कि आप सभी को दिखाने के लिए कि कैसा कैसा हुआ है। सो गाइस अब फाइनल लुक दिखाना शुरू करता हूँ मैं फर्स्ट रूम में। सो जल्दी से दिखाता हूँ, बट गाइस अभी थोड़ा बहुत बस रहता है, सो गाइस उसके लिए सॉरी। जल्दी से जल्दी हो वाला मैं कंप्लीट करता हूँ एंड फिर आपको दिखाता हूँ, बिकॉज गाइस उसके जो पिल्लोज हैं मुझे पिल्लोज सेपरेट करके रखने हैं। सो जल्दी से करते हैं एंड मिलते हैं फिर उसके बाद। सो गाइस अभी मैं आपको दिखाने के लिए आ गया हूँ। सो गाइस ये वाली वॉल फर्स्ट रूम, सो यहाँ पे विंडो आप देख ही सकते हो कितना अच्छा हो चुका है। गाइस सब पर पॉलिश हो चुकी है दोबारा सब कुछ, सो गाइस ये शाइन करे आप देख ही सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। एंड इवन गाइस ये वाली मेरी पिक है, एंड ये वाली मेरे ग्रैंड फादर के साथ है मेरी पिक। एंड यहाँ पे राधा कृष्ण जी, ये लाइट पर्पल है आप देख ही रहे हो। सो बहुत ही मज़ा आ रहा है गाइस देखने में भी, एंड इवन मेरे को आप सभी को दिखाने में भी इतना एंजॉयमेंट सा फील हो रहा है, एक्साइटेड। सो ये था रूम फर्स्ट। ओके गाइस, सो अब हम मूव करते हैं सेकंड रूम की तरफ। सो जल्दी से करते हैं मूव। सो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ अपने मेन डाइनिंग रूम में, एंड गाइस अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसा दिखता है। सो गाइस ये रहा आप सभी के सामने ये रूम, सो आप देख ही सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे दीवान, ड्रेस दीवान, एंड यहाँ पे कुछ टेडी बियर्स हैं, एंड आप देख ही सकते हो यहाँ पे चल रहा है अभी एसी। एंड गाइस वीडियो बनाने के लिए मैंने फ़ैन भी ऑफ कर दिया। सो अब आपको दिखाता हूँ ऐसे करके, बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ पर अगेन मेरी एंड नायशा की फ़ोटो है, आप देख ही सकते हो एल्बम टाइप। एंड गाइस यहाँ पर नायशा की है सिंगल की छोटी सी की। सो मैं आपको दिखा दूँ कुछ ऐसा दिख रहा है, वो कैमरे पर हाथ लग गया गाइस आप देख ही सकते हैं यहाँ पे। एंड गाइस आगे भी मैं आपको नायशा दिखाऊँ तो देखना है नायशा। सो गाइस उसको मस्ती आ रही है बिल्कुल, आप देख ही सकते हो इतना प्यारा लग रहा है सब कुछ। सो मैं आपको दिखा दूँ क्लियरली, एंड ये मेन एंट्रेंस है। सो गाइस एक तरह से रूम टूर, होम टूर मान लो, कुछ भी मान लो गाइस, होम टूर अलग से देंगे क्लियरली। अब गाइस मूव करते हैं नेक्स्ट रूम की तरफ जल्दी। अभी मैं आ चुका हूँ अपने सेकंड डाइनिंग रूम में, आप देख ही सकते हो जहाँ पर डाइनिंग टेबल एंड ऑल। सो ये आपके सामने आती है रिवेल। सो गाइस मैं आपको बता दूँ ये है एक वॉशरूम, एंड इसके साइड में वॉश बेसिन, एंड अभी यहाँ पर गाइस कपड़े थोड़े से हैं जो दोबारा होएंगे। गाइस अभी आप देख ही सकते हो मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ आप सभी के साथ फ्लैश ऑन करके, आप देख सकते हो ये सारी लाइम ग्रीन हो चुकी है वॉल, बहुत ही अच्छी लग रही है लाइम ग्रीन टाइप में भी। एंड सो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ अपनी किचन में, एंड गाइस मैं आपको फाइनल लुक दिखा दूँ। सो गाइस मेरी किचन दिखती है कुछ ऐसी जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव सी लगती है एंड न्यू भी, आप देख ही सकते हो सारा फर्नीचर वर्क है, बेस्ट फर्नीचर वर्क देख सकते हो कितना प्यारा लगता है ऑरेंज, एंड आप देख ही सकते हो सब कुछ रखा है। एंड गाइस अब बस खाने की तैयारी होने वाली है, शाम हो रही है मींस की नाइट। अभी गाइस आपको पता है दिल्ली में इतनी जल्दी तो कोई खाना खाता ही नहीं है, इवन 10 और 11 PM के बीच में खाते हैं। सो हम भी ऐसे खाते हैं गाइस, उससे पहले तो गाइस कुछ खाते नहीं है, बस स्नैक्स खाते हैं। सो अब मैं आपको पहले दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत कि कौन सा कलर हुआ है इस वाली यहाँ पे। सो गाइस मैं आपको दिखा दूँ, सो ये कुछ ऐसा कलर है लेमन ज़्यादा लाइम येलो लग रहा है, लेमन येलो से भी ज़्यादा लाइम येलो है ज़्यादा ये। सो देख ही सकते हो गाइस आप, मैं आपको दिखा दूँ
गाइस आप समझ ही सकते हो, जब वाइट वॉश होता है तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। एंड यानी गाइस मेरे होम में ऐसा होता है कि जो जो पुरानी चीज़ रहती है ईयर्स की, जो हम पहनते नहीं हैं, जो हम वो नहीं करते, सो वो हम सब कुछ डोनेट कर देते हैं, सो पुअर पर्सन के भी काम आ जाए। सो बहुत अच्छी चीज़ होती है। एंड इवन गाइस आपको भी ऐसी करना चाहिए, आपको भी अपने घर में रख के वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा। एंड गाइस अब मैं आपको जल्दी से लेके चलता हूँ अंदर अपने रूम में, मीन्स माय मॉम एंड डैड के रूम में। जल्दी से चलते हैं। यहाँ पे देख लो, एक तरफ से मेरा हैंड कर्टेन है। अब मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ, ये है मेरी मॉम एंड डैड का रूम, वेरी एक्सपेंसिव, जो कि कलर चेंज बिल्कुल हो चुका है गाइस, बहुत ही एक्सपेंसिव लग रहा है। सो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ से पहले। सो ये एक और वॉशरूम आ जाता है यहाँ पे रूम में इन बिल्ट। एंड यहाँ पे अलमीरा, एंड आप देख ही सकते हैं यहाँ पे एक फ्लावर पॉट भी है अलमीरा की रैक के ऊपर। तो देख ही सकते हो यहाँ पे राधा कृष्ण जी हैं। यहाँ पे हमारी फिर से ओल्ड मेमोरीज आ जाती है नायशा एंड मेरी, देख ही सकते हो आप। सो गाइस एंड यहाँ पे है हमारा बेड, एंड यहाँ पे आप देख ही सकते हो, यहाँ पे मैं फिर से आ जाता हूँ व्लॉगिंग करता हुआ। सो हेलो गाइस, सो यहाँ पे आप देख ही सकते हो गाइस ये है सब कुछ। एंड यहाँ पे भी देख ही सकते हो सेम ऐसी है, गेट है यहाँ पे गाइस, पीछे फिर से एक बालकोनी है। सो एसी है यहाँ पे, एक और स्मार्ट टीवी आ जाता है जिसका बहुत ही अच्छा शोकेस है, शोकेस है यहाँ पे, होम थिएटर आ जाता है। एंड तो ये जितना कुछ है एंड ये समझ सकते हो एंट्रेंस है, मतलब कुल मिला के इतना अच्छा है। सो आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा ये सब कुछ। एंड गाइस मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल 100% दिया आप सभी को दिखाने के लिए। एंड गाइस आप भी ऐसा कुछ करवा सकते हो अपने घर में सिमिलर टाइप, तो वो भी अच्छा लगेगा, बट आपको अपने होम के लुक की वजह लुक के हिसाब से करवाना पड़ेगा। सो बस यही आप सभी को दिखाना था, मेरा यही मेन रीज़न था कि आप सभी को मैं दिखाऊं कि लास्ट डे में कैसा कैसा रहा मेरा होम कट्यू। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मेट यू नेक्स्ट व्लॉग वेरी सून एंड अमेजिंग व्लॉग्स आर गोइंग अप एंड गाइस ओनली एडिटिंग आर लेफ्ट, सो एवरी डे आई विल अपलोड वन व्लॉग, सो That must be very good. But guys, with a part of study, in a part time, I will just upload my all the videos in a day. So is that's all. And guys, follow me on Instagram as I akshadhankar_vlogs, and follow me on Twitter also akshadhankarvlogs. Because guys, I have just changed the username because guys, you all are getting confusion. So that's why guys, and guys, follow and subscribe to my channel. I forgot to say you. And don't forget to comment below down that how much you like it. And guys, new vlogs are up. Only just wait for that vlogs. Till then, watch these vlogs. After that, I will show my travel vlogs. So, bye guys. Meet you in next vlog. And subscribe to my channel and like this video. I hope you all like. So, bye guys. Meet you in next vlog very soon. Take care. Don't go outside because COVID is again spreading. So, bye.